खूबसूरत दिन की बात है, एलिस अपनी दीदी के साथ पिकनिक पे गई थी। दीदी अपनी किताब पढ़ रही थी और हमारी एलिस बोर हो रही थी। तभी एक सफेद खरगोश वहां से गुजरा। वो खरगोश अपने आप से बात कर रहा था। एलिस को बड़ा अजीब लगा। खरगोश ने पॉकेट से एक घड़ी निकाली और बोला, अरे रे रे रे, इतना लेट हो गया मैं। एलिस अचंभित सब देख रही थी। उसे और जानने की इच्छा हुई और वो खरगोश के पीछे पीछे चल दी। खरगोश एक पेड़ के तने के छेद में कूद गया और एलिस भी उसके पीछे कूद गई। अंदर वो गिरती ही जा रही थी, जैसे कोई गहरा कुआं हो। नीचे और नीचे नीचे गिरते हुए उसे कई चीजें दिख रही थी, फर्नीचर, खाने की चीजें और बहुत कुछ। उसकी जैसे दुनिया ही घूम रही थी। आखिर में वो एक गद्दे पर जा गिरी। उठते ही उसके सामने एक कॉरिडोर था, लंबा सा, और वो चल के जाने लगी उस पे। उसे कई सारे दरवाजे दिखे जो लॉक्ड थे। अचानक खरगोश गायब हो गया। अब उसे चिंता हो रही थी कि वो बाहर कैसे निकलेगी। तभी उसे एक टेबल पर रखी मिली एक सोने की चाबी। उस चाबी को उसने उन दरवाजों में डाला, पर चाबी बहुत छोटी पड़ रही थी। यहां वहां देखने पर उसे पर्दे के पीछे छुपा हुआ दिखा एक छोटा सा दरवाजा, और उसमें चाबी डालते ही दरवाजा खुल गया। और खुलते ही उसने देखा एक बहुत सुंदर गार्डन, पर एलिस वहां जा नहीं पा रही थी क्योंकि दरवाजा बहुत छोटा था। वो जब वापस अंदर आई, टेबल पे एक बॉटल रखी हुई थी जिस पे लिखा था ड्रिंक मी। एलिस गटगट करके उसे पीती जा रही थी। जितनी वो उस जादुई शरबत को पी रही थी, उतनी ही वो छोटी होती जा रही थी। अब वो इतनी छोटी हो गई थी कि दरवाजे से बाहर निकल सकती थी। पर जब उसने चाबी की तरफ देखा, तब पता लगा कि वो उस तक पहुंच नहीं पाएगी। वो रोने लगी। तभी उस फ्लोर पे एक केक दिखा और उस केक पे लिखा था ईट मी। एलिस ने उस केक से एक टुकड़ा निकाल के खाया। खाते ही वो वापस बड़ी होने लगी। अब वो चाबी तो उठा लेती, पर उस दरवाजे से कैसे निकलेगी? एलिस बड़ी दुखी हो गई। वो फिर से रोने लगी। वो इतनी रोई कि आंसू से नदी जैसी बन गई। तभी वो खरगोश वहां से हड़बड़ी में भाग के गया। एलिस ने पुकारा, सर सर प्लीज रुकिए, हेल्प मी। पर वो जाता रहा, देखा भी नहीं उसने मुड़ के। पर जाते हुए उसके ग्लव्स और हैंड फैन गिर गए। एलिस ने उसका सामान उठाया और जैसे ही उसने हैंड फैन से हवा की, वो फिर छोटी होने लगी। तभी वो स्लिप होके अपने आंसुओं की नदी में गिर गई। एलिस और कई जानवर भी उसमें बहके निकलने लगे। जब वो बाहर निकले, सब भीग चुके थे। एलिस को फिर से वो खरगोश दिखा। खरगोश को लगा कि एलिस उसकी मेड है। उसने उसे उसके घर जाके उसके ग्लव्स और हैंड फैन लाने को कहा। एलिस जंगल में खरगोश के घर गई। अंदर जाते ही उसे ग्लव्स और हैंड फैन मिल गए। टेबल पे एक बॉटल भी दिखा। उसने बॉटल लेके जादुई शरबत पूरी पी ली। वो
इतनी बड़ी हो गई कि घर के अंदर हिल भी नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ खरगोश एलिस के लिए वेट कर रहा था। एलिस से डर के जानवर उस घर पर पत्थर फेंकने लगे। जो भी पत्थर एलिस के पास पहुंच रहा था वो केक बन जा रहा था। एलिस ये केक खाते ही फिर छोटी होने लगी और उस घर से निकल सकी, पर इस बार वो बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी थी। इतनी छोटी कि वो पेड़ पौधों के बीच गुम हो रही थी। वापस नॉर्मल साइज पे कैसे पहुंचे वो? उसे दूर एक पप्पी दिखाई दिया। उसने उसे पुकारने के लिए बुलाया। उसके पास आते ही उसे मालूम पड़ा कि वो कितनी छोटी हो गई थी। वो पपी से कुचले जाने से बाल बाल बची। वो भागती हुई एक मशरूम से जा टकराई। उस पे एक ब्लू कैटरपिलर बैठा था। एलिस ने उसे पूछा कि कैसे नॉर्मल हो सकती हूँ मैं। कैटरपिलर मुस्कुरा के बोला, मशरूम का एक साइड तुम्हें बड़ा कर सकता है और दूसरा साइड छोटा। एलिस ने एक छोटा मशरूम का टुकड़ा खाया और इतनी बड़ी हो गई कि उसे अपने पैर ही नजर नहीं आ रहे थे। तो अब नॉर्मल होने के लिए उसने दूसरे साइड से मशरूम खाया। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा खाके वो फाइनली अपने नॉर्मल साइज पे पहुंच गए। दोनों साइड से एक एक टुकड़ा लेके अपने हाथ में रखा। आगे बढ़ते हुए उसे एक छोटा सा घर दिखा, पर उसके अंदर जाने के लिए उसे फिर छोटा होना था। मशरूम का टुकड़ा खाके वो छोटी हो गई। घर के अंदर एलिस किचन में पहुंची। वहां डचेस अपने बच्चे के साथ खड़ी थी और वहीं एक मोटा बिल्ला भी था। एलिस पे हंस रहा था। एलिस पे पहली बार कोई मुस्कुराता हुआ बिल्ला देखा। उसने पूछा, आपका बिल्ला हंस क्यों रहा है? क्योंकि ये चेशर कैट है, डचेस बोली। तभी वो बिल्ला गायब हो गया और डचेस का बच्चा रोने लगा। डचेस ने बच्चा एलिस को दिया। तुम इसे खिलाओ जब तक ये सो ना जाए, मैं क्वीन के साथ क्रॉके खेलने जा रही हूँ। एलिस ने बच्चे को खिलाना शुरू किया। तभी वो बिल्ला वापस से प्रकट हुआ और हंस के बोलने लगा, तुम्हें मैड हैटर और मार्च हेयर को ढूंढना होगा, संभल के, वो पगले है जरा। ये कह के चेशर कैट फिर गायब हो गया। एलिस गुस्से से उस पे चीखी, ये बार बार गायब होना, प्रकट होना बंद करो, मुझे डर लग रहा है। चेशर कैट फिर आया और बोला, ठीक है, मैं धीरे धीरे गायब हो सकता हूँ। पहले पूंछ गई, फिर पेट और पैर, सिर्फ चेहरा ही रह गया था। एलिस बाहर गई और उसे मार्च हेयर का घर मिल गया। मार्च हेयर मैड हैटर के साथ चाय पी रहा था। मार्च हेयर के कानों के बीच भूसा रखा था। एलिस को समझ भी नहीं आया कि क्यों, और मैड हैटर ने एक हैट पहन रखा था। एक चूहा आराम से टेबल पे सोया हुआ था और ये दोनों उसे तकिए की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। एलिस के आते ही दोनों चिल्ला पड़े कि जगह नहीं है। इतनी सारी तो जगह है, मैड हैटर एलिस से पूछता है, कुआवा तुम्हें क्यों एक टेबल की तरह लगता है? तुम बताओ क्यों? मुझे नहीं मालूम। एलिस इन दोनों की बातों और सवालों से परेशान हो गई। ये सबसे बकवास मीटिंग रही है।
एलिस को एक दरवाजा दिखा एक पेड़ के तने में। अंदर आते ही उसे एक गोल्डन चाबी मिली। उस चाबी से एक दरवाजा खुला गार्डन का। गार्डन बहुत ही सुंदर था। ये गार्डन था क्वीन ऑफ हार्ट्स का और सारे व्हाइट रोजेस को रेड पेंट किया जा रहा था। सारे लोग ताश के पत्तों जैसे थे। एलिस ने पूछा, क्यों पेंट कर रहे हो सभी व्हाइट रोजेस को रेड? गार्डनर बोला, क्वीन को रेड रोजेस चाहिए थे पर हमने गलती से व्हाइट रोजेस उगा दी। क्वीन को मालूम पड़ा तो हमारी मौत हो जाएगी। तभी क्वीन ऑफ हार्ट्स वहां आई। उनके सिपाही सारे ताश के पत्तों जैसे थे। पहली बार दिखी इस लड़की को क्वीन ऑफ हार्ट्स ने क्रॉके खेलने को बुलाया। एलिस ने ऐसा क्रॉके फील्ड कभी नहीं देखा था पहले। हेडहॉग्स बॉल बने थे और फ्लैमिंगोज मेलिट्स। गेम के बीच में खिलाड़ी एक दूसरे पर हेडहॉग्स फेंक के लड़ने लगे। इससे क्वीन को बहुत बुरा लगा। वो गुस्से से चिल्लाई, सभी खिलाड़ियों के सर कलम कर दिए जाएं। उन्होंने क्रॉके पार्टी कैंसिल कर दी। तभी एक आवाज आई, कोर्ट में केस शुरू हो गया है। सभी कोर्ट की तरफ गए। क्वीन के किचन से पाए चुराने वाले जैक ऑफ हार्ट्स पर कोर्ट केस था। क्वीन हादसे के समय जैक ऑफ हार्ट्स को नहीं पकड़ पाई थी तो सजा कैसे देती? जैक ऑफ हार्ट्स को बंदी बना के रखा गया था। खरगोश ने एक कागज से पढ़ना शुरू किया। एक संडे की बात है, हमारे क्वीन ऑफ हार्ट्स ने कुछ डिलीशियस पीस बनाया था और जैक ऑफ हार्ट्स ने उन्हें चुरा लिया। किंग ने चिल्ला के कहा, पहले विटनेस को बुलाया जाए। पहला विटनेस मैड हैटर था। मैड हैटर के बात करते करते एलिस अचानक से बढ़ने लगी। खरगोश ने एलिस को विटनेस स्टैंड पर आने के लिए कहा। अपना नाम सुनते ही एलिस खड़ी हो गई। वो इतनी बड़ी हो चुकी थी फिर से कि उसकी ड्रेस जूरी के बेंच पर अटक गई। वो बेंच उल्टी हो गई और कुछ जूरी मेंबर्स भी गिर गए। क्वीन ने एलिस को सब कुछ बताने को कहा। पर मुझे कुछ नहीं पता, एलिस बोली। क्वीन चिल्लाई, नहीं पता, इसका भी सर कलम कर दिया जाए। आपकी ऑर्डर्स मैं क्यों मानूं? आप मेरी क्वीन नहीं हैं। आपका कोई हक नहीं बनता मुझ पे। जैसे ही एलिस ने ये कहा, क्वीन, किंग और सारे ताश के पत्ते एलिस की तरफ उड़ने लगे। एलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की पर वो एलिस को सुनामी बनके घेरने लगे और उसे भी अपने अंदर खींच लिया। घूम घूम के एलिस उन ताश के पत्तों के साथ पहुंच गई हरे पत्तों और फूलों के बीच। उसी गार्डन में उसकी दीदी ने आवाज लगाई। जब वो उठी तब समझी कि ये सब सपना था। अरे रे, ये तो सपना था। क्या सपना था? वाओ दीदी, मैं बताऊं अपना सपना तुम्हें। एक खरगोश जैकेट पहना हुआ था।